हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ संजय, सर्टिफाइड कराटे ब्लैक बेल्ट एंड फिटनेस ट्रेनर। फ्रेंड्स, ठंड का मौसम चल रहा है, आप अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं या नहीं? सर्दियों में अधिकांश लोग अपने खान पान के मामले में ध्यान नहीं देते, जिससे बीमार पड़ने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर ठंड में किन किन फल, सब्जियों और सेहतमंद चीज़ों का सेवन करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, उसके पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए बात करते हैं सर्दियों में खाए जाने वाले फलों की। सेब फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्वों से भरा है, जो शरीर के LDL कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। सेब शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन को बढ़ाता है और रक्त की कमी को भी दूर करता है। सर्दियों के मौसम में सेब का खाना फायदेमंद रहता है। नंबर टू पर जो फल आता है वो है अनार। हाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पॉलीफिनॉल, आयरन, विटामिन से भरपूर होता है अनार। अनार उच्च कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल के दौरे या फ्री रेडिकल से बचाव करके हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही फ्रेंड्स, खून की कमी वाले रोगियों के लिए अनार का सेवन बहुत ही उपयोगी रहता है। फ्रेंड्स, नंबर थ्री पर जो फल आता है वो है अमरूद। अमरूद हाइपोग्लाइसेमिक ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारने में भी फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, नंबर थ्री पे जो फल आते हैं वो है सिट्रस फल या खट्टे फल। फ्रेंड्स, इस सर्दी के मौसम में किन्नू, संतरा, खट्टा जैसे फलों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। विटामिन सी, लाइमोमिन, फाइबर से भरपूर ये फल रस से भरपूर होते हैं। इनके सेवन से सर्दियों के मौसम में वायरल संक्रमण से बचा जा सकता है। अगर दोस्तों आपको सर्दी जुकाम की समस्या है तो इनके सेवन से बचें, क्योंकि ये ठंडे फल होते हैं। फ्रेंड्स, नंबर चार पर जो फल आता है वो है अंगूर। अंगूर विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जैसे पौष्टिक तत्वों और पॉलीफिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल जैसे गुणों से भरपूर होता है। फ्रेंड्स, इनके सेवन से कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी कम रहता है, साथ ही ये रक्त विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई सर्दियों में खाए जाने वाले फलों के बारे में बात। अब बात करते हैं उन चीज़ों के सेवन की जिनके उपयोग से आपके शरीर की अंदरूनी गर्मी बढ़ती है और आपको सर्दी से बचने के लिए ऊर्जा भी मिलती है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे है बाजरा। फ्रेंड्स, बाजरा सर्दियों में शरीर को गर्मी देने के साथ साथ कई गुणों से भरपूर होता है। दूसरे अनाजों की उपेक्षा बाजरे में प्रोटीन की भी प्रचुर मात्रा होती है। बाजरे में मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, फाइबर, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बाजरे का सेवन आपको सर्दियों में नियमित रूप से करना चाहिए। फ्रेंड्स, नंबर टू पर बात करते हैं बादाम की। बादाम कई गुणों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ई भरपूर होता है। यह याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करता है। तो सर्दियों में आपको बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर थ्री पे बात करते हैं अदरक की। रोजाना अदरक को खाने में शामिल करना सर्दियों में लाभदायक होता है। इससे शरीर को गर्मी मिलती है और बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो आपको नियमित रूप से अदरक का भी सेवन सर्दियों में करना चाहिए। नंबर फोर्थ पे बात करते हैं शहद की। फ्रेंड्स, शहद को आयुर्वेद में अमृत भी कहा जाता है। सर्दियों में शहद का सेवन इम्यून सिस्टम को अच्छा करने और पाचन क्रिया को सुधारने में किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स इत्यादि प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर को सर्दियों में ऊर्जा प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। तो आपको मूंगफली का सेवन सर्दियों में आवश्यक रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं तिल की। फ्रेंड्स, तिल के लड्डू तो सर्दियों में आपने भी खाए होंगे। तिल में भी प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। सर्दियों में तिल का उपयोग शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं गुड़ के बारे में। गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो आपको सर्दियों में गुड़ का सेवन गर्मी देता है और सर्दी जुकाम से बचाता है। पाचन संबंधी समस्याओं में भी गुड़ बहुत लाभकारी होता है। तो आपको गुड़ का उपयोग सर्दियों में जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, गुड़ मैग्नीशियम का स्रोत है, तो सर्दियों में आपको गुड़ का सेवन आवश्यक रूप से करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं सब्जियों के बारे में। सर्दियों में आपको कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए।
सर्दियों में मेथी, गाजर, चुकंदर, पालक, लहसुन आदि सब्जियों का सेवन करना चाहिए, इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सर्दियों में अपने सेहत का ध्यान रखें और जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।